वॉच लॉस 1 मिनट इन 39 डेज, हाउ मैनी इट लॉस पर डे? जनाब ये पूरा क्वेश्चन होगा 1 मिनट 18 सेकंड का, लिख रख कर लीजिए। इन 39 डेज हाउ मेनी इट लॉस पर डे। अब एक मिनट की जब हम बात करते हैं तो एक मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड, 18 और प्लस कर लें 78 सेकंड वॉच लॉस कर रही है 39 डेज में। टॉपिक क्या है? टाइम प्रॉब्लम क्या है? छोटा सा टॉपिक है और ये चूँकि पहले मैंने कराया नहीं था, ये नज़रों में रह गया था। अच्छा, ज्योमेट्री का टॉपिक ऐसा है जो हम कई दफ़ा करा भी चुके हैं और बार बार रिपीट कराते रहते हैं उसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अलबत्त टाइम प्रॉब्लम बड़ा सिंपल सा है, 60 प्लस 18 कितना हो जाएगा 78। अब इस 78 को डिवाइड किससे करेंगे? 39 से। ठीक है, ये स्टार्ट हल्का है, आगे आगे टॉपिक बहुत ही क्वेश्चन इससे भी मुश्किल होते जाएंगे, आंसर आ जाएगा 2 सेकेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कह रहे हैं वॉच गेंस 2 मिनट्स पर सेकेंड, अनदर वॉच लॉस 3 मिनट पर आवर, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स बोथ विल हैव 1 आवर डिफरेंस। ओके जी, एक घड़ी क्या कर रही है? 2 मिनट गेन कर रही है, चलो भाई समझ में आ गया। एक 3 मिनट लॉस कर रही है, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स बोथ विल हैव 1 आवर डिफरेंस। प्लस 2 और -3 का डिफरेंस होता है 5 मिनट पर आवर, 5 मिनट का डिफरेंस 1 घंटे में आ रहा है, तो 1 आवर यानी 60 मिनट का डिफरेंस कितनी देर में आएगा? बड़ी आसान सी बात है, 60 को डिवाइड कर दो 5 से, आंसर आ जाएगा 12 आवर। बड़ा ही प्यारा सवाल है, वॉच लॉस 7 मिनट 6 सेकंड इन 6 डेज, हाउ मेनी डेज इट विल लॉस पर डे? तो वही सेम मेथड होगा भाई, कन्वर्ट करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके 7 को, ये आ जाएगा 420। 6 प्लस करो 420, डिवाइड किया 6 से 71। अब 71 क्या? सेकंड। मिनट में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट 11 सेकंड। देखो ना, 71 का 60 अलग कर दो, 11 अलग कर दो। एक और बड़ा प्यारा सवाल है, वॉच गेंस 15 सेकंड पर डे, अनदर वॉच लॉस 45 सेकंड पर डे, आफ्टर हाउ मेनी डेज बोथ विल हैव 12 आवर डिफरेंस। 12 घंटे का डिफरेंस कब होगा? जब एक 15 सेकंड गेन कर रही है, एक 45 सेकंड लॉस कर रही है। 15 सेकंड और 45 सेकंड में कितने का फ़र्क होता है? 60 सेकंड यानी 1 मिनट का। तो इसका मतलब 1 मिनट का फ़र्क आ रहा है एक डे में। आपको पूछ रहे हैं 12 घंटों का फ़र्क कितने डे में आएगा, तो पहले देख लो 12 घंटों में मिनट कितने होते हैं। 12 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, बड़ी सिंपल सी बात है, 720। तो 1 मिनट का फ़र्क जब एक डे में आ रहा है तो 720 मिनट का फ़र्क कितने दिन में आएगा? 720 डेज में होगा, यही आपका आंसर। देखिए, मॉर्निंग क्लासेस इन द स्कूल बिगिन एट 9 AM एंड एंड्स एट 11:51 AM। देयर आर 4 क्लास पीरियड विद 5 मिनट बिटवीन क्लासेस, हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन ईच क्लास पीरियड? बड़ा ही उफ सवाल है, बड़ा टेक्निकल। 9 AM से 11:51 AM, तो 2 घंटे तो पूरे पूरे आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल आ रहे हैं। मिनट कितने आ रहे हैं? 51 मिनट। एडअप करो तो देखो 2 आवर का मतलब है 120, 51 प्लस करो 171 मिनट बने। अब क्या है, कितने पीरियड हैं जनाब? 4, 1, 2, 3, 4, इनके दरमियान 5-5 मिनट के वक्त। अब गलती कहाँ करते हैं बच्चे, अगर देखो 4 पीरियड है तो वफ़े कितने होंगे? 3 होंगे, ठीक है ना, ये एक वफ़ा, ये दूसरा है, तीसरा, 5 और 5 और 5, 15। 171 से 15 माइनस कर दो, 156 आ जाएगा, उसको 4 से डिवाइड कर दो, आंसर 39। लोग क्या गलती करते हैं कि 4 क्लास पीरियड देख के ना इंटरव्यू भी क्या कर लेते हैं, 4 ही कर लेते हैं, उससे क्वेश्चन का आंसर हमेशा गलत आता है। जितने पीरियड होंगे इंटरवल हमेशा उससे क्या होगा, एक कम होगा, तो आंसर होगा 39। लेकिन बड़ा अच्छा सवाल है कि एक एम्प्टी पूल है वो फिल हो सकता है वाटर एट कॉन्स्टेंट रेट, टेक 8 आवर टू फिल 3/5 ऑफ इट्स कैपेसिटी, 3/5 इसकी कैपेसिटी फिल हो रही है, हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक टू फिल द पूल? 8 घंटे में
फिल होता पूरा, कितना फिल हुआ, 3/5 आवर। अब देखो बड़ा आसान तरीका है, जब भी ऐसे फ्रैक्शन प्रॉब्लम आए, 5 में से कितने हिस्से बढ़ चुके हैं, 3, तो बाकी कितने बचेंगे, तो है ना 3/5 फिल होने का मतलब है 3 हिस्से बढ़ गए, 2 हिस्से एम्प्टी हैं। अब ये जो 3 हिस्से बने कितनी देर में बढ़े, 8 घंटे, तो 2 हिस्से कितनी देर में बढ़ेंगे, आसान से लफ्जों में पूछेंगे। तो सबसे पहले एक हिस्सा निकाल लो, मैथ्स के रूल के तहत देखो ना, जिनके मैथ्स बहुत पुअर है उनके लिए, कि भाई 3 को मैं 1/3 से भी लिख सकता हूँ, बात देखिए, और 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 8/3 ओवर, और एक अगर 8/3 ओवर में तो 2 हो जाएगा, 2 को 8/3 से मल्टीप्लाई करते हैं 16/3 ओवर का मतलब एलसीएम लेके निकालें तो 5 होल 1/3 ओवर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 ओवर 20 मिनट्स, 5 ओवर 20 मिनट्स, दिस इज योर आंसर। बच्चों बहुत बहुत अहम सवाल, 200 गैलन ऑफ फ्यूल, 200 गैलन क्या बच्चों, फ्यूल पेट्रोल वगैरह आर परचेज एट रेट ऑफ 0.91 per gallon, $0.91 per gallon पे, ओके जी, एंड आर कंज्यूम्ड एट रेट ऑफ 0.07 वर्थ ऑफ फ्यूल पर आवर एट दिस रेट, हाउ मेनी आवर्स आर रिक्वायर्ड टू कंज्यूम द 200 गैलन ऑफ फ्यूल। तो बढ़िया आसान से बात है, 0.91 को मल्टीप्लाई किससे कर दो, 200 से, रेट आ जाएगा, और पर आवर कितना लग रहा है यार, 0.07 वर्थ का लग रहा है, तो सीधी साधी बात है, डिवाइड करना है हमें 0.07 से, जब करना ही है तो क्यों ना एक ही स्टेप में करें, देखो ना एक तरीका तो है कि 200 को 0.91 से मल्टीप्लाई फिर 0.07 से रहे, एक ही स्टेप में मैं क्यों, आखिर क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूँ, देखो आप भी थिंकिंग सोचो, क्योंकि डेसिमल है और डेसिमल के बाद यहाँ कितने नंबर हैं, 1 और 2, यहाँ भी कितने, 2, तो इसका लवे बड़े आसानी से गायब हो जाएगा। अब 91 को 7 से डिवाइड करना बहुत आसान काम है, 13 आ जाएगा, 13 2 26 होता है, दोनों 0 हैज इट इज, नोट कर लो यही आपका। तो बच्चों एक हवाई जहाज़ है 600 mph की स्पीड से चल रहा है, अभी कराची एयरपोर्ट से कितनी दूर है, 30 mph, कह रहे हैं अभी अगर 4:58 हो रहे हैं तो कराची एयरपोर्ट पर कितनी देर में पहुँचेगा, कितनी देर में पहुँचेगा, जबकि अभी कितने हो रहे हैं 4:58, तो मेरे भाई इसका तरीका क्या, इसका तरीका ये होगा कि जी आपको टाइम निकालना है, और सिंपल सी बात है, देखो स्पीड दी भी है डिस्टेंस भी आता है, टाइम बराबर होता किसके है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के, डिस्टेंस खाली 30, स्पीड है 600, 0-0 से मरेंगे, बिल्कुल मरेंगे, 3/60 का लेवल 1/20 ओवर, ओवर को मिनट में कन्वर्ट करना है तो देखो 60 को 20 से डिवाइड कर दो, 3 मिनट, यानी 3 मिनट और लगेंगे, इसमें 3 मिनट और लगेंगे 4:58 में 3 मिनट लगने का मतलब है जहाज़ कब पहुँचेगा, 5:01, दिस इज